हेलो फ्रेंड्स टू मैक्सिमा कैरियर पॉइंट। और आज हम पढ़ने वाले हैं रिडक्शन फार्मूला। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो आज हम रिडक्शन फार्मूला पढ़ने वाले हैं। ये भी उतना ही इंटरेस्टिंग है जैसे इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स इंटरेस्टिंग था। इसको ये क्वेश्चन सबको सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं कुछ फार्मूले बता दूंगी जिससे कि आप nth टर्म तक का साइन एक्स के फंक्शन को इंटीग्रेट कर पाओगे, वो भी चुटकियों में। चलिए मैं बताती हूँ कि रिडक्शन फार्मूला कैसे फाइंड करते हैं। रिडक्शन फार्मूला जैसे कि आपने पढ़ा था 12th में, आपने पढ़ा ही होगा, जैसे कि हमारा इंटीग्रेशन फाइंड करने का रहता था साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो हमें इसे ब्रेक करना पड़ता था 1 माइनस cos 2x/2, cos 2x/2 इंटू डी एक्स, देन हम सॉल्व करते। अगर सेम वैसे हमें sin2n(x) के लिए फाइंड करने को बोला जाए तो हमें ये कितना लेंदी होगा। फर्स्ट स्क्वायर पे कन्वर्ट करो, देन फिर से एक बार, देन एक बार हमें nth टर्म के लिए बहुत में हमारा n 1000 हो, 100 हो, कुछ भी हो, तो हम कैसे उसे फाइंड करते हैं। तो मैं आपको रिडक्शन फार्मूला बता रही हूँ जिसमें आप n की कोई सी भी वैल्यू पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए मैं पहले फर्स्ट साइन फंक्शन के लिए बताती हूँ। तो जैसे कि हमारा फंक्शन है कि sin2n(x) का रिडक्शन फार्मूला क्या होगा। ओके, फर्स्ट की इसे आई हम लोग सपोज कर लेते हैं, आई एन या आई जो भी, यहाँ पे हम आई एन क्योंकि ये nth पावर है तो हम इसे आई एन कंसिडर कर लेते हैं। तो चलिए इसे प्रूव करते हैं कि इसे प्रूव कैसे करना है। तो देखिए हम इसे डिवाइड कर देते हैं sin2n-1(x)(sin(x) dx। तो इससे पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। हमने देखा था कि फर्स्ट फंक्शन हम कौन सा अज्यूम करते हैं, देन सेकंड फंक्शन हम किसे अज्यूम करते हैं। तो सब देखो यहाँ पे दोनों ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, हम किसे भी कुछ भी चूज कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा सेकेंड फंक्शन। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारा क्या होता था बाई इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन सॉरी फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये हमारा सेकेंड फंक्शन, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ sin2n-1 क्या होता है, एक्स n-1 into sin2n-2x। ओके, ये हमारा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड क्या होता था हमारा इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो साइन एक्स इंटू डी एक्स का होल इंटीग्रेशन, ये जो हमारा फंक्शन मिला इसका इंटीग्रेशन। ओके, तो देखो हमारा क्या मिल जाएगा, sin2n-1x(sin(x) का इंटीग्रेशन हमें क्या मिलता है, -cos x sin x -cos x। तो देखो यहाँ पे n-1 हमारा कांस्टेंट है तो हम इसे बाहर ले आ सकते हैं। तो n-1 इंटीग्रेशन ऑफ sin2n-2x एंड साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, हमने पढ़ रखा है, ये होता है हमारा -cos x(dx)। तो देखो यहाँ पे sin2n-1(x) और ये माइनस हमारा आगे आ जाएगा एंड कॉस एक्स माइनस, ये देखो यहाँ पे माइनस है, हम इससे बाहर ले जाते क्या जाएगा, प्लस n-1 into sin2n-2x into cos x into dx। ओके, आपको इतना समझ में आया होगा। देखो आप अब यहाँ पे देखो मैंने एक कोस को मिस कर दिया है, जैसे कि हम nth डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, जैसे कि हमारा x^n, तो क्या होता है हम अगर डेरिवेटिव ऑफ x^n फाइंड करते हैं हमारा होता है n into x^n-1। ओके, तो देखो यहाँ पे हमने sin2n(x), तो साइन एक्स हमारा एक्स है तो हम क्या करते हैं n into n-1, तो n हमारा ये हुआ n into n-1, ये हमारा हो गया x, एंड साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा हमारा कॉस एक्स, तो मैंने वो छोड़ दिया था। तो देखो यहाँ पे मैं कॉस एक्स लिख देती हूँ, कॉस एक्स हमने छोड़ दिया था तो यहाँ पे भी एक कॉस एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा cos²x(dx)। तो देखो यहाँ पे sin2n-1x(cos x)+n-1 into sin2n-2x एंड cos²x को हम क्या लिख सकते हैं, 1-sin²x(dx)। ओके, तो देखो
साइन टू द पावर एन माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू, देखो इसे अगर हम मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाएगा, साइन टू द पावर एन माइनस टू एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस एन माइनस वन साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स। ओके तो देखो यहाँ पे हमने बस ये फॉर्मूला को डिराइव करने के बाद हमारा एन एन जो वैल्यू हो उसमें पुट कर देना। तो चलिए ये डिराइव करते हैं, माइनस साइन टू द पावर एन माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू साइन टू द पावर एन माइनस टू डी एक्स इंटू डी एक्स, एंड हमने ये एन माइनस वन एंड आई साइन टू द पावर एन एक्स को हमने क्या एज्यूम किया था आई एन, तो हम यहाँ पे आई एन लिख सकते हैं और ये हमारा आई एन इज इक्वल टू दिस है, तो ये आई एन को हम इस साइड ला सकते हैं। तो देखो आई एन हमारा यहाँ पे माइनस एन माइनस वन है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस एन माइनस वन इंटू आई एन इज इक्वल टू साइन टू द पावर एन माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके देन हम इसे एज यूजल वही लिख देंगे एन माइनस वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर एन माइनस टू एक्स इंटू डी एक्स। तो देखो अगर हम आई एन को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, वन प्लस एन माइनस वन इंटू आई एन हम लिख चुके हैं, तो साइन टू द पावर एन माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन, ये हमारा क्या हो जाएगा आई एन माइनस टू, हमने एन एनथ पावर को आई एन सपोज किया तो आई टू द पावर एन माइनस टू हमें क्या मिलेगा आई एन माइनस टू। तो देखो यहाँ हमारा वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन इंटू आई एन इज इक्वल टू साइन टू द पावर एन माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू आई एन माइनस टू। एंड देखो अगर हम इसे एन को इससे डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, साइन हमने यहाँ से माइनस को छोड़ दिया गलती से, माइनस साइन टू द पावर एन माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन अपॉन आई एन माइनस टू डिवाइड होल डिवाइडेड बाई एन, हमारा ये रिडक्शन फॉर्मूला है फॉर साइन टू द पावर एन एक्स। तो इसके ऊपर मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स करवा देती हूँ, एंड जैसे हमने साइन एक्स साइन टू द पावर एन एक्स का फॉर्मूला डिराइव किया वैसे ही सेम बस कॉस का फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए अगर हमारा साइन टू द पावर हंड्रेड एक्स फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें बहुत मुश्किल होगा, तो ये रिडक्शन फार्मूला की वजह से हमें वो सॉल्व करने में ईजी हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल करवाती हूँ, देन आपको कॉस की रिडक्शन फार्मूला खुद से डिराइव करना, ताकि आप जितना आप खुद से करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आप ही को सॉल्व करने हैं सारे क्वेश्चंस। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देती हूँ, कुछ डेफिनाइट इंटीग्रेशन एंड कुछ इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन पे, और आप कॉस का फॉर्मूला डिराइव करना, देन मैं कॉस के ऊपर कुछ प्रॉब्लम सबको बता देती हूँ। तो चलिए हमारा जैसे कि क्वेश्चंस दिया हुआ है, देखो यहाँ पे अगर हमें सपोज कि क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड साइन टू द पावर सेवन एक्स इंटू डी एक्स, तो ये कैसे फाइंड करोगे, हमने क्या पढ़ा था साइन टू द पावर एन माइनस वन का फॉर्मूला, साइन टू द पावर एन एक्स का रिडक्शन फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, देखो आई एन इज इक्वल टू, आपको ये फार्मूला याद रख लेना है, साइन टू द पावर एन माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन एन प्लस एन माइनस वन अपॉन एन आई एन माइनस टू, ये हमारा रिडक्शन फार्मूला मिला था फॉर साइन एक्स। तो बस ये फार्मूला हमें पुट कर देना है, देखो यहाँ पे साइन टू द पावर सेवन एक्स में हम ये जस्ट फार्मूला को पुट कर देंगे ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो देखो साइन टू द पावर सेवन एक्स डी एक्स, तो हमारा एन क्या है यहाँ पे एन इज इक्वल टू सेवन, तो ये फार्मूला बस पुट कर दो, माइनस साइन टू द पावर एन माइनस वन मीन्स सेवन माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन एन मीन्स सेवन प्लस एन माइनस वन मीन्स सिक्स बाई सेवन आई एन माइनस टू मीन्स साइन सेवन माइनस टू सेवन माइनस टू एक्स डी एक्स। ओके तो देखो यहाँ पे माइनस साइन टू द पावर सिक्स एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन सेवन प्लस सिक्स बाई सेवन साइन टू द पावर फाइव एक्स इंटू डी एक्स। तो देखो यहाँ पे सेम वैसे ही फिर यहाँ पे हम रिडक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो माइनस साइन टू द पावर सिक्स एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन सेवन
6/7 अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दे तो क्या मिलेगा, माइनस साइन टू द पावर एन माइनस वन मीन्स 5 माइनस 1 4x इंटू कॉस एक्स अपॉन एन मीन्स हमारा क्या हो जाएगा 5 प्लस एन माइनस वन, एन क्या है हमारा 5, एन माइनस वन 4 अपॉन 5 आई एन माइनस टू मीन्स साइन टू द पावर 5 माइनस 2 मीन्स 3x dx। ओके हमें ये मिल गया, तो देखो माइनस साइन टू द पावर 6x इंटू कॉस एक्स अपॉन 7 प्लस 6/7 अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें इसमें, देखो यहाँ पे माइनस साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस एक्स बाई 5 प्लस 4/5 इंटू साइन क्यू एक्स डी एक्स, हम इसे मल्टीप्लाई कर दे साइन टू द पावर 6x इंटू कॉस एक्स अपॉन 7 प्लस, यहाँ पे अगर माइनस है हमारा यहाँ पे तो माइनस हो जाए माइनस 6 साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस एक्स 7 5 जा 35 प्लस, यहाँ पे देखो ये हमारा यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हमारा हो जाएगा 6 4 जा 24/35 इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, देन सेम यहाँ पे रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे माइनस साइन टू द पावर 6x इंटू कॉस एक्स अपॉन 7 माइनस 6 साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस एक्स अपॉन 35 प्लस 24/35 साइन क्यूब का फॉर्मूला, देन हम रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो माइनस साइन टू द पावर एन माइनस वन मतलब साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स बाई 3 प्लस एन माइनस वन मीन्स क्या हो जाएगा हमारा 2/3 साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो देखो यहाँ हो जाएगा साइन टू द पावर 6x इंटू कॉस एक्स बाई 7 माइनस 6 साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस एक्स अपॉन 35 माइनस, ये हमारा बाहर आ जाएगा अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें 3 3 से हमारा 24 कट हो जाएगा तो 8/35 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, और देखो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस 16/35। ओके तो देखो यहाँ पे माइनस 16/35 यहाँ पे प्लस हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो देखो हम इसे लास्ट टाइम इंटीग्रेट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा साइन टू द पावर 6x इंटू कॉस एक्स अपॉन 7 माइनस 6 साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस एक्स अपॉन 35 माइनस 8/35 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 16/35 इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, बस हमारा आंसर आ गया। बस इसे अरेंज करके आप लिख दो साइन टू द पावर 6x इंटू कॉस एक्स अपॉन 7 माइनस 6 साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 35 माइनस 8/35 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 16/35 कॉस एक्स प्लस सी। देखो यहाँ हमारा आंसर आ गया है और देखिए कितना इजीली सॉल्व हो गया कि साइन टू द पावर 7x हम आसानी से सॉल्व कर पाए। यहाँ पे आप फर्स्ट करते तो साइन टू द पावर 5x इंटू साइन स्क्वायर एक्स में ब्रेक करते, देन साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, देन आप मल्टीप्लाई करते फर्स्ट इंटीग्रेशन निकालते देन उसे ब्रेक करते देन उसका सेकेंड इंटीग्रेशन, वैसे ब्रेक करना पड़ता बस आपको रिडक्शन फार्मूला से ये क्या हुआ कि आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो गया। तो चलिए मैं आपको और एक एग्जांपल करती हूँ, देखो आप वहाँ से ये हम डेफिनाइट इंटीग्रेशन में करेंगे, वो हमने इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में किया था जैसे कि हमारा वही 0 to π/2 साइन टू द पावर 5x इंटू डी एक्स। ओके अगर हमें ये फाइंड करने दिया गया है तो हम क्या करेंगे, हमने साइन टू द पावर 5x निकालना है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट हम डेफिनाइट इंटीग्रेशन को सॉल्व कर देंगे जैसे हम सॉल्व करते हैं, देन उस पर लेकर के हम 0 to π/2 हमारा अपना लिमिट लगा देंगे। ओके तो चलिए ये सॉल्व करते हैं, तो साइन टू द पावर 5x कैसे लिख सकते हैं, जीरो फर्स्ट वी इंटीग्रेट
इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, देन वी पुट द लिमिट्स. ओके, तो हम साइन क्यूब, सॉरी, हम यहाँ पे डायरेक्ट रिडक्शन फार्मूला पुट कर सकते हैं. तो हमारा रिडक्शन फार्मूला क्या है? माइनस साइन टू द पावर एन माइनस वन. तो साइन टू द पावर एन माइनस वन मीन्स 4x इंटू कॉस एक्स बाई 5, देन प्लस एन माइनस वन मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, 4 एन माइनस वन बाई एन मीन्स 5 इंटू साइन टू द पावर एन माइनस टू मीन्स क्यूब एक्स इंटू डी एक्स. हमें इतना पता लग गया. देन इसे सेकेंड बार रिडक्शन फार्मूला पुट करेंगे तो माइनस साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस एक्स डी एक्स अपॉन कॉस एक्स ओनली, कॉस एक्स बाई 5 प्लस 4/5. और यहाँ पे फॉर्मूला अगर हम पुट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, साइन टू द पावर एन माइनस वन माइनस साइन टू द पावर 2 इंटू एक्स इंटू कॉस एक्स बाई क्या हो जाएगा, 3 प्लस एन माइनस वन मीन्स 2/3 साइन टू द पावर एन माइनस टू मीन्स साइन एक्स डी एक्स. एन माइनस टू हमारा एन 3 है, तो अगर उससे 2 माइनस कर दे तो हमें ओनली साइन एक्स मिलेगा. तो माइनस साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस एक्स अपॉन 5 प्लस माइनस 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस 8/15 साइन एक्स इंटू डी एक्स. ओके, तो देखो माइनस साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस एक्स अपॉन 5 माइनस 4/3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 8/15 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस 6. तो माइनस साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस एक्स अपॉन 5 माइनस 4/3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 8/15 कॉस एक्स प्लस सी. तो अगर हम इस वैल्यू को डेफिनाइट इंटीग्रेशन में पुट करें तो ये कांस्टेंट हट जाएगा हमारा. जैसे कि देखो ये हमें वैल्यू मिल गया, देन पुट द लिमिट्स. पुट अगर हम कर दें तो हमें क्या मिलेगा, हम यहाँ पे लिमिट लगा देंगे तो 0 to π/2 साइन टू द पावर 5x डी एक्स इज इक्वल टू, ये बस सिंपली हमने साइन टू द पावर 5x को सॉल्व किया. देन अब हम इसे लिमिट लगा देंगे तो ये वैल्यू में हम लिमिट लगा देंगे माइनस साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस एक्स बाई 5 माइनस 4/3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 8/15 कॉस एक्स. और सी कॉन्स्टेंट हमारा हट जाएगा, इन हमारे डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमें कांस्टेंट नहीं मिलता. और यहाँ से 0 to π/2, तो बस हम ये वैल्यू पुट कर देंगे. कॉस पाई बाई टू हमारा 0 होता है तो ये होल टर्म हमारा 0 हो जाएगा. देन माइनस अगर पाई बाई टू हम पुट कर दें यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा, हमारा ये पाई बाई टू पुट करने से हमें मिलेगा साइन पाई बाई टू हमारा 1 होता है तो माइनस 4/3 ये हमारा मिल जाएगा माइनस 4/3 कॉस पाई बाई टू क्या हो गया हमारा 0 एंड माइनस 8/15 कॉस पाई बाई टू क्या मिला हमें 0. तो ये हम अपर लिमिट फाइंड किया. अब लोअर लिमिट हम फाइंड करते, देखो अगर हम यहाँ पे 0 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, साइन 0 0 माइनस 4/3 साइन 0 0 एंड माइनस 8/5 कॉस 0 क्या हो जाएगा हमारा 1, तो इंटू 1 तो हमारा ये 0 हो गया एंड माइनस माइनस 8/5 माइनस 8/15 यहाँ पर होगा माइनस 15, तो 8/15 हमारा आंसर आ गया. तो आपको साइन टू द पावर एन एक्स का फॉर्मूला डिराइव कैसे करते हैं और इसे अप्लाई करते हैं कैसे आपको समझ में आ गया होगा. आप कॉस का फॉर्मूला खुद से डिराइव करना, मैं आपको हिंट्स बता देती हूँ. देखो यहाँ पे अगर आपको कॉस टू द पावर एन एक्स इंटू डी एक्स फाइंड करना तो ये क्या आएगा हमारा, आई एन हमें मिलेगा कॉस टू द पावर एन माइनस वन इंटू एक्स इंटू साइन टू द पावर साइन एक्स डिवाइडेड बाय एन प्लस एन माइनस वन बाय एन आई एन माइनस टू. ओके, तो देखो ये आपको खुद से डिराइव करना, आपसे अगर ना हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आपको ये डेरिवेशन में कोई दिक्कत ना आए. और देखो
ये फॉर्मूला को सॉल्व कैसे करना, देन इसे साइन टू द पावर एन माइनस टू एंड साइन स्क्वायर एक्स में डिवाइड करना, देन साइन स्क्वायर एक्स को वन कॉस स्क्वायर साइन टू द पावर एन माइनस कॉस टू द पावर एन माइनस टू इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स को वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स में ब्रेक करना, देन आप इसे मल्टीप्लाई करना एज यूजुअल, जैसे साइन का रिडक्शन फार्मूला हमने डिराइव किया था वैसे कॉस का आपका फार्मूला डिराइव हो जाएगा। तो मैं इसके ऊपर एक आपको एग्जांपल करवाती हूँ, देखो। हमारा क्वेश्चन है कॉस टू द पावर 5x dx हमें डिराइव करना, तो हम इसका आईएन क्या मिला हमें, आईएन मिला कॉस टू द पावर एन माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एन प्लस एन माइनस वन बाय एन आई एन माइनस टू। ओके, ये हमारा आई एन है, तो बस हम ये वैल्यू पुट कर देते तो हम हमारा आंसर आएगा क्या, कॉस टू द पावर 4x इंटू साइन एक्स बाई 5 प्लस 4/5 इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। तो कॉस टू द पावर 4x इंटू साइन एक्स बाई 5 प्लस 4/5 साइन क्यूब एक्स क्या मिलेगा हमें, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स बाई 3 प्लस हमारा एन माइनस वन हो जाएगा 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। ओके, मैंने जस्ट फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट किया है, कॉस टू द पावर 4x इंटू साइन एक्स ये एज यूजल मैं सेम लिख दे रही हूँ ऊपर से, मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 4/15 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस ये देखो 4 2 8/15 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो देखो हमारा आंसर आ गया कॉस टू द पावर 4x इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4/15 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 8/15 माइनस 8/15 सॉरी यहाँ पे कॉस एक्स होगा ना, को मैंने साइन कर दिया कॉस एक्स डी एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया, आप इससे जितना प्रॉब्लम सोच सके आप खुद से सॉल्व करो, अगर आप कोई से प्रॉब्लम में अटक जाओ तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपके आंसर आंसर तुरंत प्रोवाइड करवा दूंगी। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम टेन टू द पावर एन एक्स का रिडक्शन फार्मूला एंड सेक टू द पावर एन एक्स का रिडक्शन फार्मूला पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।